हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड चीज़ पिज़्ज़ा, जो बहुत ही टेस्टी बनेगा। और इसका बेस भी हम घर पर ही तैयार करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, इसमें 300 ग्राम मैदा ले लेंगे। ये हमने मैदा ले लिया है। अब इसमें हम एक चम्मच छोटा नमक का डालेंगे, सॉल्ट इसमें डाल देंगे हम। अब इसी के साथ हम इसमें बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा दोनों को थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स कर देंगे, और इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब मिक्स करे बाद हम इसमें अब कर्ड डालेंगे, दही। दही हमें इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है। ये देखिए, हमने करीब 200 ग्राम दही लिया है, इसको थोड़ा सा डाला है। अब इसको मिक्स करके हम इसे आटे को गूंदेंगे और इसका अच्छा सा बेस बनाएंगे। धीरे धीरे हम दही को डालेंगे, और सिर्फ हम पानी का एक चम्मच के बराबर यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारा बेस। अब हम जो थोड़ा दही और है, बाकी का दही और डालेंगे इसमें। ये हमने डाल दिया है, और अब इन सबको मिक्स करके अच्छा बेस बनाएंगे। ये देखिए हमारा बेस कितना बढ़िया तैयार हो चुका है। ये थोड़ा टाइट है, अब हम इसे थोड़ा सा नरम करने के लिए हल्का सा पानी डालेंगे इसमें। ये देखिए, ये अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये हमने देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है। ये अब इसे हम मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। ये मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। देखिए, ये हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। ऑयल डालकर अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा देखिए, हमने इसे मिक्स कर लिया है, और कितना अच्छा बेस बना है हमारा। ये देखिए आप, कितना स्मूथ है। अब हम दूसरी प्रोसेस चालू करते हैं। इसे हम ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। दूसरी प्रोसेस में हम अब हमारे पिज़्ज़ा में डालने के लिए टोमेटो, पनीर, ऑनियन, कैप्सिकम और ग्रीन चिल्ली हमने ले लिए है। इन सबको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने सबको कट कर लिया है, पनीर के बारीक बारीक पीसेस कर लिए हैं। और अब हम गैस पर कढ़ाई को चढ़ाकर उसमें नमक डाल देंगे। देखिए, हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें नमक डाल दिया, और इसे हम और हमने इसी दौरान हमारे जो बेस बनाया था उसके लोहे बना लिए। और अब हमने कढ़ाई को ढक दिया है 15 मिनट के लिए। अब लोहे हम एक प्लेट लेंगे, घर में इजीली सबके पास प्लेट होती है, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और फैला लेंगे। अब जो लोहे बनाए उसको बेलन की मदद से थोड़ा सा गोल गोल गुथ लेंगे। ये देखिए, अब इस प्लेट में रख लेंगे हम, और इसकी साइडों को इस तरह से दबा देंगे। ये देखिए, हम इसकी साइडों को इस तरह से दबा देंगे। उधर हमारी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है बढ़िया। और अब हम कांटे की मदद से इसमें बारीक बारीक होल कर देंगे, जिसकी वजह से ये फूलेगा नहीं। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस है, हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अब ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस लगकर तैयार है। अब हम इस पर हमारी मोज़रेला चीज़ डालेंगे, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। पिज़्ज़ा सॉस भी आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। ये हमने मोज़रेला चीज़ इस पर डाल दी है। देखिए, अब जो हमने वेजिटेबल्स कट किए थे, अब हम उनको इस पर रख देंगे। सबसे पहले हम ऑनियन को रखते हैं। ये हमारे ऑनियन रख दिए हमने। अब हम इस पर रखेंगे कैप्सिकम। ये देखिए, कैप्सिकम रखने के बाद हम इसमें थोड़ा सा टमाटो भी रखेंगे, अच्छा फ्लेवर आता है उनसे। ये देखिए, और जो हमने ग्रीन चिल्ली कट की थी, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली डालेंगे, जिससे तीखा फ्लेवर भी आएगा, जो बहुत ही टेस्टी लगता है।
ये हमारी ग्रीन चिल्ली डल चुकी है। अब इस पर हम रेड चिल्ली फ्लेक्स और ऑर्गानो डालेंगे थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल बाज़ार जैसा स्वाद आएगा। ये रेड चिल्ली फ्लेक्स और ऑर्गानो हमने डाल दिया है, और जो हमने पनीर के पीसेस किए थे अब उनको इस पर रख देंगे। ये हमने हमारे ऑर्गानो डाल दिया है, अब हम हमारे पनीर के पीसेस रख देंगे। ये हमारे पनीर के पीसेस आ गए हैं, देखिए आप, ये हमारे पनीर के पीस आ गए हैं और हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इस कढ़ाई में हम एक कटोरी रखेंगे उल्टी, ये घरों में आसानी से मिल जाती है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है बहुत, और हम हमारा जो पिज़्ज़ा का बेस है उसको इसमें रख देंगे और इसे हम 15 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए 15 मिनट के बाद हमारा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे और इसको देखते हैं कैसा बना। देखिए आप कितना टेस्टी लग रहा है, बिल्कुल बाज़ार के जैसा। और ये इसे देखिए आप नीचे से कितना अच्छा पका है ये देखिए। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम इसमें थोड़ा ऑर्गानो और रेड चिली फ्लेक्स और डाल देंगे, और इसको मेयोनीज और टमाटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। देखिए आप कितना अच्छा बना है ये। और मोजरेला चीज़ की रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिए। देखिए आप।